हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर, सबसे पहले हमारे चैनल मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली रोज की वीडियो आपको बर वक्त पर सबसे पहले मिल सके। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि मर्द टाइमिंग कम हो मर्द की तो वो क्या करे। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाता है तो बीवी उससे जुदा ना करे, कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। चीमा के वक्त किसी और का तस्वर करना भी जिना है, सख्त गुनाह है। चीमा के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखना है कि नमाज ना छूटे, क्योंकि बीवी जो है यानी कि नमाज है, रोजा इतकाफ है, हज नफास है। नमाज से ऐसे औकात में सोबत करना और नमाज का वक्त निकल जाना हराम है। चंद अहम मसाइल और चंद टिप्स में आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि कमरे में जो जीरो पावर का बल्ब का एहतमाम करें और कपड़े वगैरह बिल्कुल उतार कर हम इस्त्री करना है तो बड़ी चादर ले लें ताकि वे पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम इस्त्री गदा गदी की तरह ना करें, जो कि शरीयत ने के नजदीक नापसंदीदा अमल है। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। मसला याद रहे कि 70 खोलने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तब बिस्मिल्लाह पढ़कर दायां कदम अंदर रखें तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो आपके साथ इस अमल में शरीक होगा। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उसको इसको हया पर मुसल्लत कर दिया गया है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।